Good morning, Mr. Sujivala. It's such a pleasure to have you. We'll have the conversation mixed in Hindi and English, if you don't mind. Ji. It's a very, very difficult, Mr. Sujivala, as we all know, is the media spokesperson in charge, senior congressperson, and in charge of the International Congress. We are meeting here on 24th of May, a very difficult day for the Plan Roll Party. So, ये जो मौका है, जब हम मिल रहे हैं, कल ही चुनाव के नतीजे निकले हैं सर, तो आप किस तरह से ये नतीजे को देखते हैं और पार्टी के लिए आगे की रास्ता? I don't think it's a difficult day. I think it's a day with new challenges. हर दिन मुश्किल नहीं होता, हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता है. तो आप या मुश्किल देख लीजिए या चुनौतियां देख लीजिए. कांग्रेस पार्टी तो चुनौतियों का सामना करेगी, पर इस देश के सामने भी नई चुनौतियां हैं. इस देश के संविधान की पूरी जो परिपाटी है, जो परंपरा है, जो उसकी भूमिका है, जो उसकी नींव है, कहीं ना कहीं बहुत सारी ताकतें आज उन संविधानिक मान्यताओं को चुनौती दे रही है. द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इफ आई मे से, इज अंडर चैलेंज. There are forces which are at war with people of India or with the constitution of India and with the edifice and the cardinal principles carved out there in stone. क्या देश और देश के लोग इकट्ठे होकर उन चुनौतियों का सामना कर उन संवैधानिक मान्यताओं की रक्षा कर सकते हैं, या फिर कुछ ताकतें जो इस देश में बंटवारे का ख्वाब देखती हैं, धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, रंग भेद, खान पान, वेशभूषा, बोली के आधार पर वो कामयाब हो जाएंगी, ये निर्णय भी अगले कुछ वर्षों में इस देश को करना है. और मुझे लगता है कि ये निर्णय मेरे दल से भी बड़ा है, ये निर्णय इस देश के लोगों का निर्णय. सुजीवाला जी, ये बिल्कुल सही कहा है, चुनौती आपके लिए भी, हमारे लिए भी है, देश के लिए भी है. मगर जब आम एक जनता, आवाम देखती है कि हमें कुछ फैसला करना चाहिए वोट के बाद, वोट के समय या 5 साल के दरमियान, तो सामान्य जनता, सामान्य आवाम तो एक पर्याय ढूंढती है, एक रास्ता. इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखती है, नहीं तो बाकी तो काम चलते रहते हैं, चाहे वो कल्चरल फील्ड में हो, लीगल फील्ड में हो. मगर जहाँ पर राजनीतिक स्तर पे ये ताकतों के रोकने की बात है, आवाम जनता देखती है विपक्ष की तरफ. और उसी को लेकर मैं कहूँगी कि 13 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में अगर इस तरह की ताकतों को 50% वोट मिला है, इस बात को कहा जाता है, इट्स ए ह्यूज फिगर. बंगाल जैसे राज्य में क्या हुआ है, हरियाणा में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, तो विपक्ष के लिए, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए क्या चुनौती है? Firstly, I must say, people have spoken and delivered their verdict only yesterday. In our democracy and in our constitutional scheme of things, people are supreme. They have given the mandate to Bharatiya Janata Party and Shri Narendra Modi. Irrespective of anything else, we must bow our head before the mandate of the people and respect that it is the BJP and Modi government which is going to lead this country for next 5 years, for they have the mandate. Who am I as an individual or as a party to question that mandate? I must respect it. And I accept the verdict of the people, for they have spoken. Having said that, we have been given the responsibility of being in the opposition and to raise people's issues and problems. Whether we are at number 0 or whether we are at number 100, that responsibility does not go away. For that's a responsibility or a role given to us by people of India, and we shall perform that to the best of our capability in a most humble yet firm fashion, ensuring that we are watchdogs over any wrong action or policy of the government that goes against the will of the people or their interests. कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सारा कहा गया, इंटेलेक्चुअल्स ने कहा, एक्टिविस्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहाँ से शुरू करेगी, नया मंथन, नया राय, नए अलग अलग लोगों को साथ में लेकर चलना, यूथ लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप, रीजनल लीडरशिप,
इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती तो है, पर जिस प्रकार से हमने ये चुनाव हारा, ये एक नई शुरुआत का मौका भी है। बहुत सारे लोग जो अवसरवादी हैं वो या छोड़कर चले गए हैं और कुछ अगले दिनों में छोड़कर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग जिनको केवल सत्ता ही जिनका एकमात्र लक्ष्य है और किसी प्रकार से सत्ता में आकर धन दौलत एकत्रित करना या सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों की प्रताड़ना करना ही उनका लक्ष्य है, वो भी चले जाएंगे। नए सिरे से एक नया नेतृत्व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम पैदा कर पाएंगे, जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस से बढ़कर इस देश की विचारधारा और मजबूती के लिए आवश्यक भी है, जरूरी भी है और वक्त की मांग भी है, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए मैंने कहा कि जब ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो ईश्वर एक दरवाजा और खोलता है, ये मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है। वो सब दरवाजे कभी बंद नहीं करता, वो आपको केवल एक भिन्न डायरेक्शन में, अलग दिशा में जाने का संकेत करता है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव इस बात का संकेत है कि हमें इस राष्ट्र की मजबूती के लिए नए सिरे से एक नए यज्ञ का आह्वान करना पड़ेगा। ये किस तरह का यज्ञ आह्वान होगा, ये नए सिरे से जो आप कह रहे हैं, ताकि लोगों को विश्वास आए, इसलिए मैं समझ रही हूँ। एक आह्वान होगा इस देश में युवा पीढ़ी को और मुखर नेतृत्व देने का, आह्वान होगा इस देश में गरीब से गरीब को इस देश का मालिक बनाने का, आह्वान होगा इस देश में शोषित वंचित दबे कुचले पिछड़े किसान गरीब मजदूर युवा छोटा दुकानदार उसको शासन का मालिक और भागीदार बनाने का। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति कहे कि मैं सर्वसव हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं और आप सब मेरी प्रजा हो, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा और राजा अब नहीं बचा, रजवाड़ा शाही खत्म हो गई। और इसीलिए नए सिरे से समाज के उन सब वर्गों को सरकार में भागीदार और ताकत देनी पड़ेगी जो अब तक वंचित रहे हैं। हमारी जो खामियां और कमियां हैं कांग्रेस की, हम अंतर मंथन करके एक एक कमी और खामी को दूर करेंगे। पिछले 5 वर्षों में लोगों ने हमें सीख दी, हमने लगभग देश में 5-6 प्रांतों को छोड़कर शिकस्त पाई, देश की सरकार से हम बाहर हुए, हमने अपने आप को सुधारा, हमने अपने आप में बहुत सारे बदलाव किया। लोगों को अभी भी लगता है कि हमारा बदलाव काफी नहीं। मैं केवल आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये कहूंगा, हमने इस दूसरी हार से और ज्यादा सीख ली है। हम नए सिरे से जो कमियां अभी हमारे अंदर रही हैं उन्हें भी दूर करेंगे, ताकि इस देश के लोगों को सही मायने में लगे कि वो विकल्प जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक मजबूत विकल्प और राष्ट्र के निर्माण के विकल्प के तौर पर उभरा। सुजीवाला जी, एक और एक कठिन सवाल ही आता है बार बार कांग्रेस पार्टी को लेकर। मैं भारतीय जनता पार्टी के जानबूझ का एक स्लोगन पकड़ रही हूँ, परिवारवाद जी, कि परिवारवाद की पार्टी है, सैकड़ों साल से 45 मतलब आज़ादी के बाद 60-70 साल के ऊपर राजनीति पे हावी रही है, हमें और मौका चाहिए, 5 साल ही मिले हमको और समय दे दीजिए। तो ये जो एक लोगों के बीच में एक बात चल जाती है कि पुरानी पार्टी, फिर उसके अंदर एक छोटा सा या बड़ा सा एलीट जो अपने आप को प्रोपगेट करता रहता है और जिसकी वजह से नए लोग नहीं आ पाते, अट्रैक्ट नहीं होते, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या करती है? आपने दो पहलू उठाए, पहले मैं दूसरे पहलू की चर्चा करता हूँ। कांग्रेस भी अपने सब दरवाजे खिड़कियां आंख नाक कान खोलेगी। हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण के अंदर इस देश को मजबूत करने में, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने में आगे आकर योगदान करना चाहता है, उसके लिए कांग्रेस को अपने सब दरवाजे खिड़कियां खुले हैं और अगर कहीं बंद है तो हम वो पूरी तरह से खोल देंगे। दूसरा, नए लोगों को नेतृत्व का मौका मिलेगा। और तीसरा, 60 वर्ष अगर हम सत्ता में रहे या 55 वर्ष, तो हम किसी की खैरात पर नहीं, इस देश की जनता की वोट के आधार पर हम चुनकर आए। राहुल गांधी जी 4थी बार इस देश की सांसद में चुनकर आए हैं, उनको अगर लोग ना चुनते तो वो सांसद बन ही कैसे पाते।
अगर सोनिया जी को, सरदार मनमोहन सिंह जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, नरसिम्हा राव जी को, इन सब लोगों को अगर देश के लोग प्रधानमंत्री या भिन्न भिन्न पदों पर ना चुनते तो ये कैसे इस देश की सरकार चलाते। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक विषैला प्रचार है जिसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। क्या मोदी जी बगैर चुने प्रधानमंत्री बन गए? क्या वाजपेयी जी बगैर चुने प्रधानमंत्री बन गए? क्या मोदी जी दोबारा बगैर चुने बन गए? देश के लोगों ने उन्हें चुना और हमने इसीलिए सर झुका के स्वीकारा देश के हुक्म को। इसलिए जब देश के लोगों ने 1947 से 2014 तक हमें चुना तो वो भी देश के लोगों का हुक्म था, जैसे 2014 से 2019 और अब 2019 से 5 साल के लिए मोदी जी को चुना। जल्द से जल्द दो और चुनौती आपके सर पे आ जाएगी, देश के ऊपर आ जाएगी, हरियाणा स्टेट का चुनाव, राज्य का चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र का। दोनों राज्यों में भारी हार रही है कांग्रेस पार्टी की। आपको कुछ लगता है कि वहाँ पे कुछ बदलेगा, कुछ बदलने की जगह है, चुनौतियाँ हैं क्या? दोनों राज्यों में बदलने की आवश्यकता है, संगठनात्मक बदलाव भी करने पड़ेंगे और नेतृत्व का बदलाव भी, और हमें अपना इन दोनों से बढ़कर अपना एजेंडा नए सिरे से दोनों प्रदेशों और एक और प्रदेश जहाँ चुनाव होगा सब प्रदेशों के अंदर नया एजेंडा, जो एजेंडा स्थानीय हो, जो वहाँ के प्रदेश और जो प्रदेश के अंदर भी जो प्रदेश के भिन्न भिन्न हिस्से हैं, जैसे विदर्भ अलग है और मुंबई का क्षेत्र अलग है और मराठवाड़ा बिल्कुल अलग है और कोंकण से सटा क्षेत्र बिल्कुल अलग है या गुजरात से सटे क्षेत्र की मांग बिल्कुल अलग है और महाराष्ट्र तो इस समय सबसे भयंकर सूखे की चपेट में है देश के, तो इन सब बातों को हमें ज़मीनी स्तर तक उठाना है, ले जाना है और लोगों का मन जीत कर ही दोबारा सत्ता में आना है। आप कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है? मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा मुश्किल है? जी बिल्कुल, ये मुश्किल लगता है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। आपने सूखे का जिक्र किया, जो इलेक्शन कैंपेन में हमने सूखे का जिक्र कहीं से भी नहीं सुना और हमारा राज्य महाराष्ट्र में, बाकी भी राज्यों में बहुत बुरी तरह पानी का संकट है लोगों, आम आदमी के लिए। बच्चे अपने स्कूल और शिक्षण तालीम छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के पास पैसा नहीं है 10वीं 12वीं के आगे पढ़ाने का। ऐसे गांव हैं जहां पे बहुत पानी का संकट है, अग्रेरियन क्राइसिस है। अगर 5 साल में 12,000 से ऊपर किसानों की आत्महत्याएँ हुई हैं तो उसके पहले भी UPA 1 और UPA 2 के सरकार के बीच में इस तरह की आत्महत्याएँ हुई थी। तो ये जो अग्रेरियन मसला है, मतलब और आप उसी क्षेत्र से, आप बहुत फख्र से कहते हैं कि मैं खेती भी करता हूँ, हम जानते हैं समस्या को, तो आपको नहीं लगता कि मैनिफेस्टो में हर चीज़ कांग्रेस पार्टी की थी मगर स्लोगन में, कैंपेन में आप नहीं बना पाए ये इश्यूज़ को? 2019 की हार का कारण क्या है इस पर विश्लेषण हो सकता है, अंतर्मंथन भी होगा, पर आज महाराष्ट्र सामने है। महाराष्ट्र में दलगत राजनीति से बड़ी, वहाँ कौन सत्ता में आएगा इससे बड़ा ये है कि 93% जलाशय अब खाली है, पानी के भंडारण खाली पड़े हैं। वहाँ लोग कीचड़ का पानी छानकर पीने को मजबूर हैं। खेती तो तब होगी जब पीने का पानी होगा, आज पीने का पानी ही नहीं। जिस प्रकार से भूजल का दोहन महाराष्ट्र में हुआ वो अपने आप में शायद लगातार सरकारों की विफलता है और वहाँ एक न्यू वाटर पॉलिसी सब एक्सपर्ट से बात करके, किसानों से बात करके लाने की आवश्यकता है। किसान क्या करे? किसान यहाँ वहाँ कपास लगाता है या गन्ना लगाता है, कहीं कहीं प्याज और दूसरी चीजें लगा लेता है। जब किसान प्याज लगाता है तो देश की सरकार जो है वो निर्यात रोक देती है तो किसान के प्याज के दाम औंधे मुंह गिरते हैं। जब किसान गन्ना लगाता है तो देश की सरकार जो है या प्रांत की सरकार दोनों मिलकर उसको इस प्रकार का रेट देती ही नहीं गन्ने का कि जिससे उसकी लागत पूरी हो सके, या अगर रेट मिल जाए तो उसका पैसा शुगर मिल जो है वो उसे वापस देती नहीं। कपास की जहाँ तक फसल है वो अपने आप में किसान की आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कारण है।
कभी हम बीटी कोटल लगा लेते हैं जब हमें भिन्न भिन्न कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, कभी वो फेल हो जाती है, कभी पानी ज़्यादा गिर जाता है, कभी पानी गिरता नहीं, और कभी हमारी फसल 3800-4000 रुपये पे बिकती है और कभी 6000 रुपये पर। याद करिए, कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में 6000 रुपये क्विंटल तक कपास बिकी। गन्ने के हमने भाव जो हैं 10 वर्षों में कई राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में तो 300 रुपये तक हम ले आए। पूरा भुगतान समय पर हमने सुनिश्चित किया। अगर आत्महत्याएं हुई तो विदर्भ के लिए हम स्पेशल पैकेज लेकर आए। हमने पूरे मराठवाड़ा कोंकण बेल्ट के अंदर पानी की कमी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। बहुत सारे नए इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए, भंडारण पानी की व्यवस्था बनाई। परंतु पिछले 2.5 सालों में फडणवीस जी की सरकार ने क्या किया? लगता है कि लोगों को अब प्रांतीय सरकारों से जवाब मांगने का भी समय आ गया है, और चुनाव एक ऐसा मौका होता है। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र का मजदूर और किसान इस बात का जवाब अवश्य मांगेगा। आपके पीछे गांधी जी के बहुत बहुत खूबसूरत एक पेंटिंग पोर्ट्रेट है, और 27 मई को नेहरू जी का मतलब डेथ एनिवर्सरी का दिन है, शायद देश इस बार सेलिब्रेट करे ना करे। ये दो हस्ती जो मतलब बहुत क्रिटिकल है हमारे देश निर्माण के लिए, हमारे जो पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन के लिए, जिस तरह का देश भारत बना आज़ादी के बाद, मतलब ये दो व्यक्ति जो है बहुत ही एक अहम है। उनकी जो सोच विचारधारा को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरासर किया है, उसके बारे में। I don't agree that the Gandhian thought, the Nehruvian thought, the Ambedkar thought, the Patel thought can ever be curbed. Gandhi ji एक बात कहा करते थे, मैं याद दिलाऊं, सत्य परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं। Gandhian thought is the essence of this country. It lives in our blood and soul. It runs through the veins that India is. And that thought is founded upon ahimsa, which is one facet of it. But it is also founded on the concept of cohabitation. It is also founded upon the concept of what Panditji used to say, everything can wait but agriculture cannot. It is also founded upon the thought of Sardar Patel, who used to say that agriculture is the primemost duty of the nation's government to ensure that they get their bread and butter. What Ambedkar ji said about the entire concept of equality and undoing the injustice. So I think all this emanates from an agrarian lifestyle that this country, which predominates in this country, contrary to what many people believe. I don't think so they can ever become irrelevant. जब तक भारत रहेगा, गांधी प्रासंगिक रहेंगे। जिस दिन भारत अपनी प्रासंगिकता खो बैठेगा, उस दिन गांधी उस दिन भी प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि गांधी अब भारत तक सीमित नहीं। उनका विचार, उनकी सोच, उनका चिंतन, उनकी दृष्टि, उनका रास्ता पूरी दुनिया ने अपनाया है। 27 मई केवल एक दिन है। मुझे नहीं लगता कि पंडित नेहरू को याद करने के लिए एक दिन काफी है। पंडित नेहरू व्यक्तिवादी नहीं थे। पंडित नेहरू का पूरा अस्तित्व ही व्यक्तिवाद के खिलाफ खड़ा था। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण के, नव राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में लगाया। और उनको अगर कोई याद करे तो जो उन्होंने अपने जीवन के शायद आखिरी समय में कहा था कि उनकी जो राख है शरीर की, उसे हिमालय से लेकर और भारत के आखिरी कोने तक अगर आप बिखरा देंगे तो उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। उसका मतलब बड़ा सीधा था कि जब तक ये देश एक सूत्र में बंधा रहेगा और इस देश का सबसे गरीब व्यक्ति तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और उसे मौके मिलेंगे और उसके लिए रास्ते और द्वार खुलेंगे, तब तक गांधी, नेहरू, पटेल और अंबेडकर और हमारे दूसरे स्वतंत्रता सेनानी प्रासंगिक रहेंगे। मुझे लगता है कि 27 मई हो या 21 मई, 2 अक्टूबर हो या कोई और दिन, हमें एक दिन तक इन स्वतंत्रता सेनानियों को सीमित रखना
उनके काम और उनके जीवन के साथ घोर अन्याय। आखिरी संदेश, मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र अभी संदेश देने वाली है। मैं केवल अपने बहुत सारे नौजवान दोस्तों को जो शायद आपके इस पूरी एड्रेस को देखते हूँ, मैं उन्हें ये कहूँगा कि ये देश आपसे है, आपका है और आपके लिए है। किसी व्यक्ति या दल को आपकी सोच को कुंठित करने मत दीजिए। खुले मन से सोचिए, खुले आसमान में उड़िए और एक नए भारत के निर्माण की परिकल्पना जो आपके मन में है, आपके खुद के भविष्य के साथ, वो करिए, क्योंकि आपका भविष्य और इस देश का भविष्य अलग अलग नहीं, एक साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।